हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं ये फंक्शन के बारे में। जैसा कि कल के क्लास में बताया था, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट के बारे में, आज के क्लास में सीखने वाले ये फंक्शन के बारे में। तो रहा सवाल, ये फंक्शन के यूज कहाँ पे किया जाता है? देखो, ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमको कंडीशन लगा के कुछ देना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंडीशन है, वह कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमको निकालना है ए स्टेटस और डिवीजन। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों का रिकॉर्ड बनाया है, फॉर एग्जाम्पल राजन, और हिंदी से लेके इनका 8 तक नंबर लिखा है, और उसके बाद से इसका मैंने परसेंटेज भी निकाल कर रखा है, और मैं सोच रहा हूं कि आसानी तरीके से निकाल सकूं कि जिसका परसेंटेज 60 से अबव हो तो उसको फर्स्ट डिवीजन दूं, जिसका 50 और 60 के बीच हो उसको सेकंड डिवीजन दूं, और जिसका नंबर परसेंटेज 33 से लेके 50 के बीच हो तो उसको थर्ड डिवीजन दूं, और उसके बाद उसके से कम हो तो उसे फेल कर दूं। उस कंडीशन में हम आसानी तरीके से ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और स्टेटस, अगर हम यह चेक करना चाहते हैं कि अगर वह किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं है या 33 से कम नंबर नहीं पाया है तो उसका स्टेटस आ जाए पास, अगर एक में हो तो आ जाए सप्लीमेंट्री, और दो में हो तो आ जाए फेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कल के क्लास में बताए थे काउंट निकालना, काउंट निकालने हमने समझाया क्या था कि हिंदी से लेके जो 8 तक सब्जेक्ट है उसमें से हम चेक किए थे कितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है। तो जिसमें कम नंबर पाया है उसका नंबरिंग बताया जा रहा है, अगर एक में पाया है तो 1 बताया गया है, किसी में नहीं पाया है तो 0 बताया है। अब इसी के हिसाब से हमको कंडीशन देना है कि अगर जिस जिस कॉलम में 0 हो वहां वहां आ जाए पास, जहां जहां पे 1 हो वहां वहां आ जाए सप्लीमेंट्री, और जहां पे 2 हो, 3 हो, 4 हो वहां पे आ जाए फेल। तो कुछ ऐसा कंडीशन देना है तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। चलिए, हम पहले निकालते हैं स्टेटस। तो स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, करेंगे इक्वल और लगाएंगे इफ, और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन। और देखिए, यहां पे पूछा जाता है पहला ऑप्शन टेस्ट। जैसे अगर एक्सेल का हम लोग प्रयोग करते थे तो वहां पे पूछा जाता था लॉजिकल टेस्ट, और यहाँ पे पूछा जाता टेस्ट। तो टेस्ट में हम उस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं जिसके हिसाब से हमको कंडीशन देना है। तो सपोज हमको काउंट के हिसाब से देना है तो टेस्ट में हम लोग काउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और काउंट को सेलेक्ट करने के बाद से कंडीशन क्या है, तो काउंट इक्वल 0 मीन्स अगर काउंट के कॉलम में 0 आए तो हमने कर दिया कामा, क्या अगला वैल्यू बताया जा रहा है देन वैल्यू, मीन्स अगर काउंट इक्वल 0 आ जाए तो आप क्या दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स चेंज हो गया है, वहां पे पूछा जाता ट्रू वैल्यू, वैल्यू इफ ट्रू, और यहाँ पे पूछा जाता देन वैल्यू, मीन्स ये कंडीशन सही हो तो आप देना क्या चाहते हो। तो हमने बोला डबल वन कामा में लिख दिया पास, और डबल वाले का मैं कर दिया क्लोज, कर देंगे कामा। उसके बाद से पूछा अदरवाइज वैल्यू, अगर मान लीजिए काउंट इक्वल 0 नौ आए तो क्या देना चाहते हो। तो बोला नहीं, कंडीशन और मेरा है एक और, फिर से लगाएंगे क्या इफ, ब्रैकेट को ओपन, फिर से पूछा जाएगा टेस्ट। तो टेस्ट हमको क्या देना है, काउंट इक्वल वन, अगर काउंट बराबर वन आए कामा, हमको देना है क्या एसपी सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री के कैटेगरी में रखना है, कर देंगे कामा। पूछेगा अदरवाइज वैल्यू, अगर दोनों कंडीशन फॉलो ना हो तो क्या देना है। तो अगर काउंट इक्वल 0 हो तो पास, काउंट इक्वल 1 हो तो सप्लीमेंट्री, लेकिन 2 हो, 3 हो, 4 हो तो हमको कर देना है क्या फेल। तो डबल वाले कामा और अदरवाइज वैल्यू में लिख देंगे फेल।
और जैसे अदरवाइज वैल्यू में हमने फेल लिखा और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट एक दो, ध्यान देना सिंटेक्स वही है लेकिन नाम चेंज हो जा रहा है, टेस्ट देन वैल्यू अदरवाइज वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन कई लोग इसको कर ही नहीं पाएंगे, अगर इस्तेमाल सही से नहीं किए होंगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब हम कर देंगे इंटर, जैसे इंटर बटन दबाया देखो आ गया है एसपी मींस वन पे सप्लीमेंट्री और जीरो पे आ गया पास और टू पे आ जाएगा फेल। देखिए वन पे सप्लीमेंट्री जीरो पे है पास, पास वन पे सप्लीमेंट्री और टू पे है फेल। तो हमने क्या किया है, यहां से हमने स्टार्ट किया क्या कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के सारे स्टेटस निकाला, अब ऐसे डिवीजन निकाला निकल जाएगा ना, सिंपल है। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट को ओपन, देखो फिर से पूछा रहा टेस्ट, तो आप बताओ डिवीजन किसके हिसाब से निकालते हैं आप लोग, परसेंटेज के हिसाब से, तो सेलेक्ट क्या करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे हमको लगाना कंडीशन क्या है, 60 के बराबर या 60 से ज्यादा, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल और कर दिया क्या 60 कामा डबल वन कामा देना है फर्स्ट डबल वन काम बंद कामा फिर से लगाएंगे क्या इफ ब्रैकेट को ओपन, अब टेस्ट में क्या लेंगे परसेंटेज को लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या 50 कामा डबल यूनिट कामा क्या देना है सेकेंड सेकेंड डिवीजन डबल यूनिट कामा क्लोज कामा अगला क्या है थर्ड डिवीजन देना है, फिर लगाएंगे इफ ब्रैकेट को ओपन क्या सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज क्या लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल उसके बाद 33 कामा डबल वेड कामा क्या देना हमको थर्ड डिवीजन उसके बाद से डबल वेड कामा कामा, अब पूछा रहा अदरवाइज वैल्यू डबल वेड कामा लिख दिया हमने फेल, उसके बाद जो भी आएगा फेल कर देंगे उसको, ब्रैकेट तीन बार ओपन किया तीन बार बंद करेंगे एक दो तीन इंटर। देखिए इनका परसेंट कितना है 60 से अबव, तो कितना आ गया फर्स्ट, तो यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए फर्स्ट डिवीजन देखो इसका सेकंड आया क्यों, क्योंकि 50 से लेके 60 के बीच में है, फिर आपको ना ऐसे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन ऐसे एक करके आ जाए, क्लियर है सबको कैसे मैं निकाल रहा हूं। चलिए फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, कैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं, किसका है डिवीजन का, किसका है यहाँ डिवीजन का, और नेक्स्ट एक और है क्या वाई स्टेटस का, बस यहाँ पे बस चेंज करना क्या काउंट, यहाँ पे इसको क्या सेलेक्ट करना है काउंट, और यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज, चलिए लिख लीजिए
लो, ये फॉर्मूला है, यह किसके लिए है? डिवीजन के लिए। और ऊपर यह किसके लिए है? स्टेटस। नोट कर ले सभी लोग।